जब आजादी इतनी सस्ती हो जाए कि कोई लफंगा सरेआम पुलिस पर बंदूक तान दे तो उस आजादी की कमर तोड़ देनी चाहिए। जब सियासी फायदों के लिए पर्दे पर और पर्दे से बाहर सिनेमाई नर्तकियां अपनी उद्दंड छांव छांव को ही बौद्धिकता समझने लगे तो समझिए कि यह सभ्यता का आपातकाल है। जब अपने बेटे का नाम इतिहास के सबसे क्रूर लुटेरे के नाम पर रखने वाला व्यक्ति बुद्धिजीवी कहलाता हो तो समझिए राष्ट्र संक्रमण काल से गुजर रहा है। इससे निपटना होगा, नहीं तो सभ्यता मर जाएगी। बिना किसी तार्किक कारण के राष्ट्रीय राजधानी की एक मुख्य सड़क को महीनों तक बंद कर देने का साहस और भीड़ में निकलकर सरेआम बाजार फूंक देने की हिम्मत और बंदूक तो दिवाली में भी इतनी आम नहीं थी जितनी दिल्ली में इस वक्त हो गई है। ये हिम्मत किसी भीड़ के अंदर यूं ही नहीं आती, उसके पीछे एक पूरा विकसित तंत्र होता है जो राष्ट्र के लिए किसी कैंसर की तरह है। इसकी चीड़फाड़ करनी ही होगी। भारत वो देश है जिसने प्रभु श्री राम के सबसे बड़े भक्त महाराज विभीषण को कभी नहीं पूजा, क्योंकि उन्होंने अपने राष्ट्र के विरुद्ध कार्य किया था। ये धरती सबको क्षमा करती है पर किसी राष्ट्रद्रोही को नहीं। अमित शाह जी, सत्ता न सहिष्णुता की मूर्ति होती है न विचारधाराओं की दासी। सत्ता का एक ही तर्क होता है, राष्ट्र। राष्ट्र की संप्रभुता पर उठने वाला हर हाथ काट डाला जाए, इतनी निरंकुशता होनी चाहिए सत्ता में। दिल्ली के जलने का प्रश्न इतिहास उन द्रोहियों से नहीं पूछेगा जो हर आतंकवादी की रक्षा में खड़े हो जाते हैं। इतिहास उन फर्जी पत्रकारों से भी प्रश्न नहीं पूछेगा जिनके लिए राष्ट्रद्रोह ही कर्तव्य है। 50 साल के बाद समय को इन गद्दारों का नाम तक याद नहीं रहेगा, लेकिन इतिहास प्रश्न पूछेगा केवल और केवल आपसे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, अमित शाह से। समय के न्यायालय में राजनीति, कूटनीति और परिस्थितियों का बहाना नहीं चलता साहब। वहां केवल यह देखा जाता है कि आप क्या कर सकते थे और आपने क्या किया। राजनीतिक आलोचनाएं कभी निष्पक्ष नहीं रही। हिटलर को बुरा कहने वाले कभी माओत्से का विरोध तक नहीं कर सके। आज का बौद्धिक जगत भले ही हिटलर को बुरा भला कहे पर भविष्य कभी उसकी प्रखरता को नकार नहीं पाएगा। भूल जाइए विरोधियों का विरोध, भूल जाइए हिंदू मुसलमान, शाहरुख हो या करण, वारिस हो या अनुराग, हर वो आंख फूट जानी चाहिए जो राष्ट्र की संप्रभुता के विरुद्ध तिरछी हो रही है, हर वो हाथ कट जाना चाहिए जो भारत की प्रतिष्ठा को नोचने के लिए आगे बढ़े। यही सत्ता का दायित्व है, यही आपका दायित्व है। अमित शाह बाबू सुन रहे हैं ना, आपको सुनना ही होगा।